ट्रैक्टर ट्रॉली समेत धस गया पुल, दो लोगों की हालत गंभीर। श्रावस्ती जनपद में तहसील जमुनाहा से मुख्यालय भिनगा जाने वाले मार्ग पर वर्षों पूर्व बना जर्जर पुल सोमवार सुबह अचानक ढह गया, जिससे ट्रैक्टर भी जा गिरा, जिससे दो लोग घायल हो गए। लोगों की मानी तो बिना मरम्मत कराने पुरानी जर्जर पुल पर ही सिंगल सड़क को टू लेन में तब्दील कर दिया गया था। उसी लापरवाही के चलते ये हादसा हो गया। पुल टूट जाने से अब दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हालांकि इस घटना की जानकारी होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासन और पुलिस विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को CSC में भर्ती कराया, जहाँ से दोनों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक थाना मल्लीपुर के तहसील मुख्यालय जमुना के मल्लीपुर से मधवापुर घाट होते हुए भिनगा जाने वाले मार्ग पर बंदरा बाबा कुटी से पहले एक पुराना जर्जर पुल बना हुआ था। सोमवार की सुबह इसी थाना के ग्राम पंचायत कोकल की ग्राम प्रधान राजेश कुमार यादव की ट्रैक्टर ट्राली लेकर बीरबल निवासी चालक रंगीलाल पुत्र नंदलाल व मुरव पुरवा निवासी लेबर महेश कुमार पुत्र कंधाईलाल कलकलवा मार्जिन बांध से होते हुए बहराइच के संतलिया पर चल रहे ठेके पर बालू लेने जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली के पुल पर पहुंचते ही पुल नीचे धस गया, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पुल सहित नीचे समा गई, जिसे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से CSC मल्लीपुर पहुंचाया, जहां दोनों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय भिनगा के लिए रेफर कर दिया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुल के टूटकर धस जाने से मल्लीपुर शिकारी चौड़ा सर्रा भगवानपुर बीरपुर लोकिया पटना टिकुया जमुनाहा गंगापुर रमुआपुर सहित दर्जनों गांव का आवागमन ठप हो गया है और इसका संपर्क जिला मुख्यालय भिनगा व तहसील मुख्यालय मल्लीपुर का बंद हो गया है। घटना की जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी जमुनाहा सौरभ शुक्ला XEN SK हरित JE विनोद कुमार मौके पर पहुंचकर JCB से मलबा हटाना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि इसकी खबर मीडिया में प्रकाशित होते ही इस घटना की जानकारी जिलाधिकारी श्रावस्ती नेहा प्रकाश को हुई। तत्काल उन्होंने XEN को निर्देश दिया कि इस मार्ग को सुचारू रूप से जल्द युद्ध स्तर पर कार्य कर चालू किया जाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक बजट का बंदरबाट करने के लिए पुराने पुल पर ही नई सड़क का निर्माण करा दिया गया है। जिम्मेदारों ने वर्षों पूर्व बने इस जर्जर पुल को बिना मरम्मत के ही उस पर सड़क निर्माण करा दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज गंभीर हादसा घट गया। आपको बता दें कि इसी सड़क से होते हुए जिला प्रशासन व तहसील प्रशासन के अधिकारी प्रतिदिन उनका आना जाना लगा रहता है था। गनीमत यह रही कि आज ये पुल इस ट्रैक्टर के जाने से धस गया, वरना इससे पहले भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये बड़ी खबर श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर मधवापुर घाट पर बने पुल से पहले बंदरा बाबा कुट्टी के पास एक जर्जर पुल जो कि वन लेन की सड़क थी और उसी के दौरान जब इसका दोबारा निर्माण हुआ टू लेन की सड़क बनाई गई, तो इस पुल को इसके ऊपर से ही बिना मरम्मत किए पुल को ऊपर से ही सड़क बना दी गई और ये पानी के बहाव के चलते काफ़ी जर्जर हो चुका था। जैसे ही आज सुबह एक खाली ट्रैक्टर ट्रॉली इस पुल पर पहुंची कि ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पुल नीचे धस गया, जिससे ट्रैक्टर चला रहे चालक और बैठे एक अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें एक्सक्लूसिव है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये अभी अभी सड़क भी कट रही है, जैसे पुल धसा हुआ उसके बाद सड़क जो बची सड़क वो भी धस रही है। हालांकि DM के निर्देश पर यहां पर बचाव राहत कार्य का काम कर दिया गया है और जल्द ही सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। तस्वीरें भयानक थी। यदि कहीं कोई लोडेड या फिर बड़ी यात्री वाहन के साथ ऐसा हादसा हुआ होता तो आज दृश्य कुछ अलग होता और यहाँ काफ़ी अफरा तफरी होती। गनीमत यह रही कि खाली ट्रैक्टर ट्रॉली ही जाकर पुल सहित धस गया और दो लोगों को गंभीर चोटें आई। हालांकि दोनों लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जैसे ही यह ट्रैक्टर ट्रॉली इस पुलिया पर पहुंची कि यहाँ पर तुरंत ही ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पुल नीचे धस गया, जिसके चलते चालक और इसमें बैठे लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाने की जुगत की। हालांकि गंभीर रूप से वह घायल हो गए। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से ये हादसा हुआ है। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अमला मौजूद है और यहां पर दोनों तरफ आवागमन बंद कर दिया गया है। Yeah.
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।